उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का सेटअप भी हमने किया है अपनी प्यारी सी कोलीग के लिए, उनका है बेम प्रोजेक्ट का सेटअप है क्रिसमस का, तो वो हमने उनके लिए किया है। वो कह रही थी कि आएँ और मुझे सेटअप करके दें, क्योंकि उनके हाथ थी क्रिसमस की पार्टी, तो सारे स्टाफ को उन्होंने बुलाया हुआ था। तो मैंने कहा कि कोई मसला नहीं है, आपको कर देती हूँ। तो हुआ इस तरह से कि हमने पहले क्रिसमस का सारा सामान जमा किया, उसको एक रूम में इकट्ठा किया, टेबल सेटिंग की। पहले हम हमेशा जो है वो एक लॉन्ग लेंथ में लंबा सा टेबल लगाते होते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने थोड़ा स्टाइल चेंज कर दिया और इस टेबल को हमने इस तरह से लगाया किया। हमने क्रिसमस का सेटअप, हमने अपनी सारी चीज़ें जमा की, कुछ चीज़ें जो हमारे पास पहले मौजूद थी वो ली हैं, कुछ चीज़ें हमने नई ऐड की हैं। हाँ जी, क्रिसमस क्रैकर्स तो होने ही थे ना इसमें, वो कैसे भूल सकते हैं, ये तो मेन है हमारा पार्टी का थीम। और जो कलर्स हैं वो बहुत ही मज़ेदार हैं, ग्रीन है, रेड है, गोल्ड है, बहुत ही मज़ेदार सा सेटअप होने वाला है। आपने वीडियो को ज़रूर देखना है, एंड तक देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आज का डिफरेंट सा सेटअप आपको कैसा लगा है। हमने सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे रखी हैं और इसको हमने अब स्टार्ट किया है। तो हम पहले हमने शीट्स डाली हैं, फिर हमने प्लेट्स लगाई हैं, क्रिसमस के ट्रीज थे हमारे पास वो लगाए हैं, कुछ फूल फ्लावर्स ऐड किए हैं हमने ताकि थोड़ी सी जो है वो रौनक हो जाए हमारे दस्तखान में। और आप देख रहे हैं कि जैसे कि हाफवे तक हम लोग पहुँच चुके हैं, ऑलमोस्ट हो ही चुका है, बस ये है कि ड्रिंक्स वगैरह रह जाएंगे हमारे इसके बाद, वो खाना जो हम बर्तन लगा देते हैं तो उसमें रखेंगे। तो ये देखें कैसा लग रहा है, मज़े का लग रहा है ना। देखें, अच्छा, तो इसके बाद हमने क्रिसमस क्रैकर्स भी लगाए हैं सारी प्लेट्स के साथ, जहाँ जहाँ पे हमारी जो स्टाफ है वो बैठेगा तो वो अपने अपने क्रैकर्स को ओपन करेंगे। और ये देख रहे हैं कितने मज़े के टिश्यूज़ हैं और नैपकिनस हैं और प्लेट्स हैं और चॉकलेट्स हैं। मज़ेदार सा है ना आज का सेटअप, है ना, डिफरेंट है ना थोड़ा सा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़ा आएगा, मुझे भी ये सेटअप करने में बहुत मज़ा आया क्योंकि मैंने पहले ये सेटअप नहीं किया हुआ था, तो अपनी फ्रेंड की रिक्वेस्ट पर मैंने ये सेटअप किया है। और उम्मीद करती हूँ कि आज का दस्तरखान जो है वो आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा जो हमने फूड ऐड करना था उसके लिए बर्तन मैं हमेशा पहले रख देती हूँ, तो वो मैंने आज भी इसी तरह से किया है कि मैंने पहले ही बर्तन डिस्प्ले कर दी हैं ताकि जब खाना हम लोग रखें तो हमें हेडिक ना हो कि ये बर्तन कहाँ पर रखने थे, ये चीज़ें कहाँ पर रखनी थी, ये चीज़ कहाँ पर जाएगी, ये कहाँ पर जाएगी, क्योंकि मेहमान आ जाते हैं, जब वो बैठ जाते हैं तो फिर उस वक्त हम लोग अपना खाना रखते हैं गर्म गर्म ताकि अच्छा सा खाया जा सके। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती, आगे भी आपको दिखाऊंगी कि मैं और हमने इसमें क्या क्या ऐड किया है, क्योंकि मज़ेदार सी चीज़ें होती हैं जब डिफरेंट डिफरेंट, तो भी हमारा जो दस्तरखान है वो मज़ेदार बनता है। ये सिर्फ आपको मैं दिखा रही हूँ कि ड्राई ड्राई जो हम एक दिन पहले जब कर लेते हैं तो वो इस तरह का होता है। तो ये हमने एक दिन पहले कम्प्लीट किया था अपना, रात को हम लोगों ने ये कर लिया था। आगे मॉर्निंग में जो हम लोग काम करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगी कि मॉर्निंग हम क्या करेंगे, हमने कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अच्छा, ये जैसा कि आपने देखा कि टेबल सेट हो चुके हैं, अब हम लोगों ने क्या करना है कि एक साइड टेबल लगाना है और साइड टेबल में हमने जो है वो अपनी जो बाकी गिफ्ट्स वगैरह हैं वो रखने हैं, और जो हमारा खाने का सामान है वो हम ऑलरेडी टेबल पे सेट कर चुके हैं। ये कॉर्नर में एक छोटा सा मैंने क्रिसमस ट्री रखा था, उसके साथ मैंने सांटा जो है वो भी रख दिए हैं, छोटे से सैंपल सा बना हुआ था हमारे पास एक, वो रखा है हमने। और ये देखें आप जी, तो कैंडल्स हम लोग लगा रहे हैं, और इसके अलावा क्रैकर्स हैं, चीज़ है क्रिसमस के लिए। ये देखें ड्रिंक हमने जो चूज़ किए थे वो ग्रीन और रेड है, ग्रीन में हमने कलर ऐड किया है, फूड कलर ऐड करेंगे और लेमिनेट करेंगे तो वो ग्रीन कलर हमारा आ जाएगा, और वो हमने ऐड किया है। इसको हम कूलर को फिल कर लेंगे क्योंकि मेहमान काफ़ी हैं हमारे पास, और हम करेंगे रेड कलर क्योंकि रेड कलर का भी हमने थीम में रखा हुआ था, तो हम लोग अब कर रहे हैं रेड कलर ऐड। ये बहुत ही मज़ेदार से ड्रिंक्स हैं, वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और मुझे बताना है कि आज का सेटअप आपको कैसा लगा है। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेटअप आपको अच्छा लगेगा और इन्जॉय करेंगे। तो आइए मिलकर देखते हैं आज की।